कस लोगे, लेकिन जब वीर वधूटी के द्वारा तलवार उठाई जाएगी, अंगार मांग में भरकर के एक आग लगाई जाएगी, तो जागेगा देश का स्वाभिमान, सब अपने आप हो जाएगा। इन कवियों की वाणी सुन श्रोता राणा प्रताप हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा जागृत होकर के बैठे, बस हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर। हमने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल पकड़ा दिया गया, एंड्रॉइड मोबाइल ने सर लोगों के बच्चों के मांझने खराब कर दिए। छोटे बच्चों का आईक्यू से आप परिचित ही हैं, जो बातें अपन लोगों की समझ में नहीं होती छोटे छोटे बच्चों की समझ में होती है। एंड्रॉइड मोबाइल का जमाना है। पिछले दिनों सर मेरा छोटा बेटा है 9 साल का, मुझसे कहने लगा पापा स्कूल में मैडम आई है ना, नई मैडम बहुत हॉट है, ये एंड्रॉइड मोबाइल ने सर बना दिया बच्चों को ऐसा। 9 साल का बेटा कह रहा है कि स्कूल में नई मैडम आई है बहुत हॉट है। अरे मैंने कि चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। ये आईक्यू बच्चों का इस तरह बढ़ा दिया इस एंड्रॉइड मोबाइल ने। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार आप जानते ही हैं, बच्चों को कूटना, इसमें हंसने की बात नहीं है। अगर हम बच्चों को कूटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। और ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया ऐसा बच्चों को कूटने वाला, हम विदेशों में बच्चों को नहीं कूट सकते। पिछले दिनों अखबार में एक समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तब मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं, हिंदुस्तान हर साल बच्चों को लेकर क्यों आते हैं, कि चलो इनको वहां जाकर कूट ले। अच्छा कुछ लोग तो एयरपोर्ट पर ही शुरू हो जाते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सर मैंने भी बाप होने के अधिकार का प्रयोग किया, बच्चे को एक चांटा मार दिया। अब यहाँ से ठाकों की यात्रा प्रारंभ करता हूँ। मैंने जैसे ही चांटा दिया वो निकम्मा मुझे फिर पूछने बैठ गया कि आपके पापा आपको ऐसे ही कूटते थे। हाँ मैंने कि ऐसे ही कूटते थे। अच्छा फिर तो उनके भी कूटते होंगे। हाँ मैंने कि कूटते ही होंगे। अच्छा फिर उनके भी कूटते होंगे। अबे मैंने कि कूटते ही होंगे, तू क्या जानना चाहता है? कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सर एक आनंद की घटना मैं आपको सुनाता हूं। मैं एक ऐसे बेटे का बाप हूं सर, जो एक एक क्लास में 3-3 बार मॉनिटर रहता है। इतने विद्वान बेटे का बाप नहीं हो सकता था, और मैं हूं इसलिए। एक एक क्लास में सर 3-3 बार मॉनिटर रहता है। पिछले दिनों हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में फेल हो गया, तो मैंने बाप होने की वजह से उसको डांट दिया। बल्कि सुनवे, तू हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में फेल हो गया है, पढ़ाई लिखाई में आजकल बहुत खर्च होता है, अगर तू एनुअल एग्जामिनेशन में वार्षिक परीक्षा में भी फेल हुआ तो मुझको पापा कहने की जरूरत नहीं है। मैंने उसको ये कहकर डांट दिया। जब वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट लेकर के आया, आप हंसने के लिए तैयार रहिएगा, मैं इस कवि सम्मेलन पर सौंपना चाहता हूँ आपको। जब वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट लेकर के आया तो मैंने उसे पूछा, मैंने कि तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? सर को खुजलाते हुए कहने लगा, रहने दे लटूरी यार, तेरे बाप होने का अधिकार समाप्त हो गया। सर हंसने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सर आनंद लेना, पिछले दिनों उसने 10+2 की सेकेंडरी की परीक्षा उसने दी इंटरमीडिएट की। मुझे मालूम था कि उसके रिजल्ट का क्या होने वाला है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आने को था उस दिन घर पर कुछ रिश्तेदार आने को थे, तो मैंने कहा बेटे अगर तेरे रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो तू आकर के डायरेक्ट हमसे ये मत कह देना कि मैं फेल हो गया, आज रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती हो जाएगी, पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है, बेटे आकर के फेल नाम को अपने जुबान पर मत लाना, कोर्ट बेड सेट कर लेते हैं, अगर तू एक विषय में फेल हो जाए तो आकर के बस ये कह देना, बोल बालाजी महाराज की जय, मैं समझ जाऊंगा कि तू एक विषय में फेल हो गया। और अगर तू दो विषय में फेल हो जाए तो बस आकर के कह देना, बोल सियावर रामचंद्र की, मैं समझ जाऊंगा कि तू दो विषय में फेल है। और अगर 22
आएगी, तू तीन विषय में भी फेल हो जाए तो बेटे फेल शब्द को जुबान पर मत लाना, आकर के बस ये कह देना बोल ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, मैं समझ लूंगा तू तीन विषय में फेल है। साहब अब ठाके के लिए तैयार रहना। 2 बजे के करीब उसका रिजल्ट आ गया, दिन में 2 बजे के करीब। सूचना देने के लिए मेरे पास ही आया। मैंने ये सोच करके कुछ गड़बड़ न कर दे तो दूर से ही उससे इशारा करके कहा, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? सर अब ठाके के लिए तैयार रहना, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? दोनों हाथ उठाकर बोला, बोल साचे दरबार।